सिविल सेकंड वेलकम बैक ऑन अदर वीडियो गाइस। और आज की वीडियो होने वाली है हमारी नई दिल्ली से बनारस तक की भाई ट्रेन। और जो ट्रेन होने वाली है हमारी 12582 नई दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, जो कि नई दिल्ली से हर रोज़ चलती है 10:50 पर रात में, और दूसरे दिन आपको उतार देती है 10 सुबह। अगर इस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन 5 स्टॉपेज के साथ चलती है, जो कि पहला पड़ता है गाजियाबाद, टूडला, और उसके बाद पड़ेगा आपका कानपुर, सीधा प्रयागराज, और उसके बाद पड़ता है ज्ञानपुर रोड और सीधा बनारस। बाकी अगर फेयर की बात करें तो अगर स्लीपर में जर्नी करेंगे तो अकॉर्ड 450 रुपये लगता है। ट्रेन के अंदर चलते हैं। हमारी जो जर्नी होने वाली है आज की, वो होने वाली है S5 कोच स्लीपर में, और जो सीट है हमारी 1 है 7 नंबर और 1 है 13 नंबर, जो कि साइड अपर है उस साइड में, और 1 है साइड लोअर। बाकी अगर ट्रेन की बात करें तो काफ़ी साफ़ सुथरी सी अभी लग रही है, क्योंकि नई दिल्ली से ही बन के चलती है बनारस तक, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी ट्रेन लग रही है साफ़ सफाई में। बाकी बात करेंगे आगे कैसा है। यहाँ पे अगर वॉशरूम की तरफ जाएंगे तो कुछ शीशा है जो कि थोड़ा सा गंदा है। पानी एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ थोड़ा सा आ रहा है अभी तो पानी फ़िलहाल। और बाकी इधर है इंडियन रेलवेज़ के बाथरूम, जो कि क्या ही दिखाने हैं। इधर डस्टबिन है, तो भाई यार अभी ना बैटरी थोड़ी सी देरी हुई है यार, पता है यार यहाँ पर हो गया भाई बहुत बड़ा मजाक हमारे साथ। देखो अब मैं दिखाई देता हूँ आपको क्या हो गया, मेरे साथ तो नहीं लेकिन ना मेरे दोस्त के साथ जरूर हुआ, लो आप खुद ही देख लो भाई। भाई चढ़ने से भाई 10 मिनट बाद की हाल है ये, अब आप ही बताओ भाई क्या हो सकता है। देखो मैंने पैसे दे दिए, हालांकि मेरे पास नहीं आ रही थी पता नहीं क्यों, लेकिन देख आप खुद ही देख लो भाई बेचारे का क्या हाल कर रखा है भाई साहब। तो भाई इनसे थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि चुपचाप पैसे निकाल के दे दो, नहीं दोगे तो ये हरकत होती है। देखो मेरे पास आने की कोशिश की थी लेकिन वही ना कैमरा था मेरे पास। बाकी भाई जर्नी से पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, जो कि रेल नीर है, 15 रुपये की बोतल आती है सबको पता है। एक बार चलते हैं इसको रख देते हैं, बाकी अंदर भी आपको मिल जाएगा, साइड पेंट्री है अंदर, तो पानी वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अंदर। सो फाइनली वी आर डिपार्चिंग ऑन टाइम, यानी कि 10:50 पर हमारी ट्रेन निकल गई है नई दिल्ली से। प्लेटफॉर्म नंबर 15 से निकलती है ट्रेन। बाकी जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो है गाजियाबाद, तो 2 मिनट का हॉल्ट है गाजियाबाद में, तो देखेंगे उतरेंगे। वैसे इतनी भीड़ नहीं है ट्रेन में अभी फिलहाल स्लीपर में। बाकी जनरल अभी एक बार बाद में दिखाएंगे आपको जनरल का क्या हाल है। फिलहाल करते हैं नई दिल्ली को बाय बाय। और भाई ट्रेन का यानी कि ज़्यादा बहुत भरी नहीं है, और इसमें साइड पेंट्री है तो आपको पानी की बोतल और फिर छोटा मोटा खाने को मिल जाएगा। हालांकि खाना वगैरह नहीं है, पेंट्री नहीं है इसमें अवेलेबल। फिलहाल अभी हम स्किप कर रहे हैं आनंद विहार स्टेशन। अभी यमुना नदी को क्रॉस करके फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं गाजियाबाद। और गाजियाबाद पहुंचने से पहले आप ट्रेन का एक बार हाल देख लो भाई, नॉर्मल भरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भरी है, स्लीपर है, स्लीपर की तरह लग भी रहा है इस ट्रेन में कि हम स्लीपर में जर्नी कर रहे हैं, वरना और ट्रेन में तो क्या ही हाल होता है। तो फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं भाई गाजियाबाद, और गाजियाबाद पर 2 मिनट का हॉल्ट है तो क्या ही उतरना है इस पर। फिलहाल गाजियाबाद में कुछ सामान चढ़ाया जा रहा है, जैसे कि पानी वगैरह और भी चाय वगैरह जो भी है गाजियाबाद पर चढ़ाई जा रही है। ट्रेन की स्पीड की बात करें तो भाई 100 क्रॉस कर चुकी है, और अगर टॉप स्पीड की बात करें जहाँ तक मैंने चेक किया था 130 तक भागी थी ये, उसके बाद मुझे पता नहीं है कितनी हुआ, लेकिन मैंने लाइव रिकॉर्ड किया था 130 तो हो गया था। बाकी ये कुछ स्टॉपेज हैं इसके, नई दिल्ली के बाद गाजियाबाद जंक्शन पड़ता है, फिर टूडला, फिर आता है आपका कानपुर, और फिर आता है आपका प्रयागराज, ज्ञानपुर और बनारस। ये 5 स्टेशन बीच में पड़ते हैं और सीधा आपका बनारस पहुँचते हैं। अभी फ़िलहाल गाइस हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल यानी कि, और यहां पे 5 मिनट का हॉल्ट है ट्रेन का।
सेंट्रल और 4:49 चार मिनट के लिए। और भाई ये हाल है यहाँ के द्वितीय श्रेणी यानी कि आपका सेकंड क्लास यानी कि जिसको हम बोलते हैं जनरल डिब्बा, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं भरा हुआ है, नॉर्मल है, इतनी भीड़ नहीं लग रही आज इस पर, क्योंकि वैसे अगर आप ट्रेन में कभी भी जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ रस्तों देखने को मिलता ही है। सो फाइनली वी आर डिपार्चिंग फ्रॉम कानपुर सेंट्रल, ऑन टाइम चल रही है अभी फ़िलहाल ट्रेन, 2-4 मिनट लेट है, मतलब ऊपर नीचे हो रही है, तो वो तो इंडियन रेलवेज़ में नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आधा घंटा एक घंटा लेट हुई हो, अभी तक का रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कानपुर तक। कितने की है? 10 रुपये कर दियो भाई। ठीक, चाय पिएगा भाई? चाय टेस्टलेस, मज़ा नहीं है चाय में। सो फाइनली गाइज वी आर रीचिंग प्रयागराज, यानी कि पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब प्रयागराज जंक्शन है, और यहाँ पे आपको पता ही होगा संगम है, तो इसके लिए काफ़ी फेमस जगह है, ये काफ़ी बड़े स्टेशनों में से एक है। यहाँ पे इसका जो पहुँचने का टाइम है वो है 7:30 यानी 7:30 बजे, और अभी भी ऑन टाइम ही चल रही है। हाँ जी भाई, तो यार सुबह सुबह यहाँ पे बिक रहे थे 20 के 3 समोसे यार, और भाई थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी क्योंकि ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं। और भाई यार अभी पता है कोई स्टेशन पर रोक रखी है भाई आउटर पे, थोड़ा 10 मिनट डिले चल रहा है, सब कुछ 10 मिनट से रोकी हुई गाड़ी है यहाँ पे, कोई ना इतना चलता है भाई, देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली गाइस वी आर रीचिंग ज्ञानपुर रोड, और यहाँ तक ये ट्रेन 700 किलोमीटर अराउंड कवर कर लेती है, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 755 किलोमीटर, और अभी ज्ञानपुर रोड के बाद सीधा बनारस आने वाला है, और ये बगल में हमारी ट्रेन खड़ी है। ज्ञानपुर रोड कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ भाई क्यों हॉल्ट है ये तो नहीं पता मुझे यार, बाल तो भाई सेट लग रहे हैं बिल्कुल, बिना सेट बेट लगाए सही है यार, बिना बढ़िया ही है। तो बाकी चलते हैं भाई बनारस एक बार, अभी यहाँ से निकलने वाली ट्रेन, अभी ज्ञानपुर रोड से हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है फिलहाल। फाइनली भाई ज्ञानपुर रोड से डिपार्च कर चुकी है गाड़ी, नेक्स्ट स्टेशन है वो है बनारस, फाइनल डेस्टिनेशन। यहाँ तक कवर कर चुके हैं भाई 700 किलोमीटर। बाय ज्ञानपुर रोड। तो अगर ट्रेन की जर्नी कर रहे हो ना तो खाते पीते रहो यार, मज़ा आता है। अगर तुम खा पी नहीं रहे हो, सुस्त बैठे हो, तो मज़े नहीं आते ना।
तो जब भी आप ट्रेन में जा रहे हो ना भाई, बोरा भर के खाना ले जाओ, जैसे कि मैं लेके जाता हूँ, जैसे कुरकुरे हो गए, समोसे हो गए, चाय हो गए, मैं खाता। तो अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है आपको स्लीपर में। सामने एक मिरर दिख रहा है जो कि साफ़ सुथरा है, और दोनों साइड आपको चार्जिंग प्लग्स दिख रहे हैं, बोतल हैंडल्स वगैरह ये सब भी अवेलेबल है। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो दोनों तरफ, दोनों साइड्स स्विचेस लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है LSB के अंदर। बाकी फाइनली बनारस पहुँच गए हम, और ऑन टाइम ही है, कुछ 2 मिनट या 4 मिनट गाड़ी लेट है बस, तो वो ज़्यादा मायने नहीं करता इंडियन रेलवेज़ के अंदर। पंचुअलिटी गाड़ी के अंदर बहुत ठीक है, अगर कहीं 10 मिनट रुकी भी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, वो क्योंकि वो कवर हो गया था। बाकी अगर बात करें इस ट्रेन की, तो वंदे भारत और शिवगंगा के बाद ये प्रेफरेबल होगी, क्योंकि प्राइस भी ऑलमोस्ट शिवगंगा का ही है, और शिवगंगा में क्या आपको जल्दी सीट नहीं मिल पाई, और इसमें जल्दी मिल जाती है आपको। अगर आप नई दिल्ली से बनारस के लिए ट्रिप बना रहे हैं तो ये ट्रिप काफ़ी अच्छी ट्रेन है। अगर आप नई दिल्ली से बनारस के लिए प्लान बना रहे हैं, इस ट्रेन से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ट्रैवल जर्नी बहुत अच्छी थी यहाँ की। ये भाई पहुँच गए भाई अपने डेस्टिनेशन फाइनल बनारस, ऑन टाइम ट्रेन है भाई अपनी, मज़ा आ गया जर्नी में। सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं बनारस, और इस स्टेशन को पहले जाना जाता था मंडुवाड़ी नाम से, और अब इसको जाना जाता है बनारस के नाम से। नया रेनोवेट किया है, काफ़ी अच्छा रेनोवेट करा गया स्टेशन को। अगर जर्नी की बात करें, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, और पंचुअल ट्रेन थी, ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, साफ़ सफाई भी काफ़ी भी अच्छी थी ट्रेन की। बाकी अगर सो फाइनली गाइस इस टाइप से कुछ बाहर दिख रहा है, बनारस लिखा हुआ है, और इधर आप देखेंगे तो पुराना कोई इंजन रखा हुआ है, पीछे फाउंटेन से, तो काफ़ी अच्छा स्टेशन रिनोवेट किया गया है। बाकी और भी व्लॉग्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।